दिखलाया जग में जो सजवानी का। सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। भगवत भक्त विश्ववासी जी निहालचंद विष्णुई धरणिया भगवत भक्त विश्ववासी जी। चुरू जिला तहसील डूंगरगढ़ गांव सावंत सरवासी जी, चुरू जिला तहसील डूंगरगढ़ गांव सावंत सरवासी। हनुमान जी आ माता जी हे भगवती के दासी जी, पुत्र दिया भगवान उन्हें जब मन की मिटी उदासी जी, पुत्र दिया भगवान उन्हें जब मन की मिटी उदासी जी। बचपन से ही मंत्र लिया था से ही मंत्र लिया था निहाल चंद गुरु जानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की हित कुर्बानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की हित कुर्बानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। वीर विष्णु निहालचंद धारणिया के पिता का नाम हनुमान राम जी, माता का नाम जिया जी, जो जिला चूरू तहसील डूंगरगढ़ गांव सामतसर निवासी था। निहाल चंद की शिक्षा पढ़ाई भगवत कृपा से बचपन से ही अच्छी हुई थी और भगवत कृपा से गुरु मंत्र भी ज्ञानी गुरु से मिल गया था। तो देखो सजनों, ज्ञान जो होता है वो ज्ञानी गुरु के पास में होता है। अरे जिनके पास में ज्ञान नहीं होता है अरे वो किसी के गुरु बन जाते हैं, तो भला वो किसी का क्या भला कर सकते हैं, और आगे चेला बनता है उसका क्या भला हो सकता है, है? एक दृष्टांत है, चोर किसी के घर में धन के वास्ते चोरी करने के लिए बढ़िया, भाई चोर जो वे किसी के घर में बढ़े तो वे धन वास्ते ही बढ़े, हैं? तो घर वालों आगे है वो जाग तो सुतो, मन देखियो गए चोर आ तो गया पर कोई बात नहीं, अरे हैं आ गया तो कोई बात नहीं, अब वो बिचारो चुपचाप सुतो रही। अरे चोर का जगह उने बुने ताला तोड़िया कूटा तोड़िया है, और सारी रात जो वह धन के लालच में अरबी घर की तलाशी ली, पर माने सारी रात में एक तक को पैसो ही मिलियो को नहीं। अरे चोर निराश हो करके दिनू गेहूं पे लाभी घरों बाहर निकल ला गया, आपस में बात करे बोलिया रे भाई सारी रात आपा इतो जो खपारो कियो थोड़ा देखिया और सारी रात को समय बर्बाद की और इन घर में तो आपने कोई धन टको पैसो मिलियो को नहीं। अब वो घर वालों जागतो सुतो वो कह रहे भाई इन घर में मैं तो दिन में ही टका पैसा देखिया को नहीं, थे रात में भागदा फिर तो थाने रात में धन पैसा टका कित मिल जी भाई। जिना चोर समझा गया हाँ आपा तो गी कंगाल हाउस में बढ़ गया है, तो भाई क्यों के इरो तो कंगाली के माए फर्स्ट नंबर में इनाम की चूड़ो है,
अरे अर्थी घर में आपा धन बाड़ा तो धन कथे हुए। क्या बात। तो ई वास्ते भाइयो निहाल चंद की शिक्षा पढ़ाई अच्छे गुरु के द्वारा हुई, जब उनको अच्छा ज्ञान था। बतलाया है धर्म पत्नी सुगड़नार घर धर्म निभाने वाली, दो पुत्र भगवत ने दीने सब प्रकार घर खुशहाली। क्या बात है बोलूंगे। धर्म पत्नी सुगड़नार घर धर्म निभाने वाली, दो पुत्र भगवत ने दीने सब प्रकार घर खुशहाली। चतुर्मास खेतों में काम करे मोठ बाजरा हरियाली, बोर मतीरे नीचे फलों से दल्ली झुकी डाली, काचर भोर मतीरे नीचे फलों से लगी झुकी डाली। काम नहीं कोई हानि का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। निहाल चंद की धर्म पत्नी भगवत भजन करने वाली, जिनकी कूक से भगवत कृपा से दो पुत्रों का जन्म हुआ था। अरे चातुर्मास यानी वर्षा ऋतु सोमासे में आसोज के महीने में लोग खेतों में खेती के काम धंधे में लगे हुए थे। भगवत कृपा से अच्छा मौसम, अच्छी खेती, मोठ बाजरा, काचर बोर मतीरे, खूब खेती में हरियाली, जंगलों में विचरण करने वाले, जंगलों की शोभा बढ़ाने वाले हरिण पशु बिश्नोइयों की कांकड़ में निडर होकर के छलांग लगाते हुए केल किलोल कर रहे थे। हरिण घूम रहे जंगल बीच में पहुंचे आय शिकारी, असुर बावरी दुष्ट हत्यारे हिरणों के गोली मारी, असुर बावरी दुष्ट शिकारी हिरणों के गोली मारी। हरिण घूम रहे जंगल बीच में पहुंचे आय शिकारी, असुर बावरी दुष्ट हत्यारे हिरणों के गोली मारी। अरे असुर बावरी दुष्ट हत्यारे हिरणों के गोली मारी। निहाल चंद बिश्नोई धरणिया काम खेत में करतारी, गोली की आवाज सुनी जब निहाल चंद ने बात बिचारी, गोली की आवाज सुनी जब निहाल चंद ने बात बिचारी। बिल्कुल आए दुष्ट शिकारी, बिल्कुल आए दुष्ट शिकारी, हाथे प्राण कोई प्राणी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की हित कुर्बानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की हित कुर्बानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। उस समय दुष्ट शिकारी बावरी जाति के लोग जंगल में घूमते हुए हिरणों के गोली मार करके शिकार करने लगे थे। निहाल चंद विष्णुई धारणिया अपने खेत में काम करते हुए गोली की आवाज सुनी। गोली की आवाज सुनते ही निहाल चंद ने विचार किया कि जरूर कोई दुष्ट शिकारी किसी जीव प्राणी का शिकार कर रहे हैं।
मात पिता मौजूद पास में नाल चंदने सिर नाया न्यून प्रणाम ओम विष्णु को मात पिता ने फरमाया। मात पिता मौजूद पास में नाल चंदने सिर नाया निम्न प्रणाम ओम विष्णु को मात पिता ने फरमाया। निहाल चंद कही ओम विष्णु का हुक्म हुआ अवसर आया जल्दी आशीर्वाद देवो मेरी सफल करे भगवत पाया। जल्दी आशीर्वाद देवो मेरी सफल करे भगवत काया। गुरु फरमाई वचन निभाऊं ओ गुरु फरमाई वचन निभाऊं समय नया ना कहानी का सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म पिता कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म पिता कुर्बानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। निहाल चंद के पिता हनुमान राम जी माता जिया जी उस समय वहां पास में मौजूद थी। निहाल चंद ने हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम किया और भगवान का हुक्म बताते हुए निहाल चंद ने कहा मैं भगवत कृपा से गुरु फरमाई अनुसार काम करूंगा मुझे आप आशीर्वाद दो भगवान मेरा जन्म सफल करेंगे। निहाल चंद के माता पिता ने कहा ये नमन प्रणाम ओम विष्णु भगवान को हैं और भगवान शमनन करते हुए कहा भगवत शरण रखे बेटा ओ भगवत शरण रखे बेटा भगवत का जावो ध्यान धर के। मात पिता ने आशीर्वाद दिया भगवत नाम सुंदर करके। ओ मात पिता ने आशीर्वाद दिया भगवत नाम सुंदर करके। शरण रखे बेटा भगवत का जावो ध्यान धर के। मात पिता ने आशीर्वाद दिया भगवत नाम सुमर करके। जो भगवत का हुक्म हुए वही मानो सदा शीश धर के। गुरु ने वचन कहा बेटा भगवत का हुक्म मान करके। गुरु ने वचन कहा बेटा भगवत का हुक्म मान करके। मतलब सही समझ लो बेटा वो मतलब सही समझ लो बेटा गुरु वचन फरमानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। निहाल चंद के माता पिता ने भगवान का नाम स्मरण करते हुए आशीर्वाद दिया बेटा भगवान तुम्हारे को अपनी शरण में रखे। भगवान का हुक्म मान करके ही गुरु जी ने सब काम किए थे इसीलिए भगवान का नाम स्मरण करो। भगवान का हुक्म मान करके सच्चे गुरु की फरमाई करो। भगवान जो करते हैं सब ठीक करते हैं। अरे पीठ दिखाना मत दुश्मन को ओ
वो पीठ दिखाना मत दुश्मन को, चाहे जान जावे बेटा। भगवत नाम सुमर तेरे ना उसका धाम मिल जावे बेटा। भगवत नाम सुमर तेरे ना उसका धाम मिल जावे बेटा। भगवत नी दीना मनुष्य जन्म, भगवत नी दीना जन्म सफल हो जावे बेटा। जन्म मरण भगवत की शरण में जग में यश मिल जावे बेटा। जन्म मरण भगवत की शरण में जग में यश मिल जावे बेटा। रोशन नाम जगत में है, रोशन नाम जगत में है सत्यवादी हरिचंद्र दानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के कुर्बानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के कुर्बानी का। निरंजन हालचंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। निहाल चंद के माता पिता ने कहा बेटा चाहे जान भी चली जावे मगर दुश्मन को पीठ मत दिखाना। भगवान का नाम स्मरण करते रहना। जन्म मरण भगवान की शरण से सफल होता है। भगवान की शरण में संसार में यश मिलता है और अंत में सदगति हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान की सत्य शरण ही रह करके संसार में यश पाया और अंत में भगवान की प्राप्ति की थी। ओम विष्णु की जय बोली। विष्णु यो सद मिल कर आवो न्याल चंद कहने लागा। विष्णु यो सद मिल कर आवो न्याल चंद कहने लागा। भगवत नाम सुमर लो भाइयो मिल जावे फल मुँह मांगा। शिपाही जीव मारते ये विष्णु यो की जागा। शिकारी जीव मारते ये विष्णु यूं की जागा। दुष्टों को नहीं करने देंगे काम कोई शैतानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी। हालचंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। भगवान की जय बोलते हुए निहालचंद एकदम भागा और गुरु भाइयों को कहने लगा कि हे विष्णुई भाइयों, भगवान का नाम लेकर के जल्दी आओ। दुष्ट शिकारी विष्णुओं की कांकड़ में आकर के शिकार करके भगवान के प्यारे जीवों को मार रहे हैं। शैतान दुष्टों को कोई भी शैतानी का काम नहीं करने देंगे। निहालचंद का हौसला निहालचंद को देख शिकारी भागन की कर ली प्यारी। हरिण लाद लिए ऊँटों पर और ऊँटों की कर ली सवारी। हरिण लाद लिए ऊँटों पर और ऊँटों की कर ली सवारी।
को देख सितारी भागन की कर ली तारी हरण ला दलिए ऊँटों पर और ऊँटों की कर ली स्वारी। रुक जाओ हजारों ठहरों न्याल चंद की खिलकारी कांकड़ पार नहीं करने दी न्याल चंद जागर जाई कांकड़ पार नहीं करने दी न्याल चंद जागर जाई। रसी पकड़ ऊँटों के नाक की रसी पकड़ ऊँटों के नाक की काम किया मर्दानी का सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। निहाल चंद को देखते ही बावरी शिकारी शिकार के द्वारा मारे हुए हरिणों को ऊंटों पर लाद करके भागने की कोशिश की मगर वीर विष्णुई निहाल चंद एकदम जा पहुंचा और गरजते हुए कहने लगा दुष्ट शिकारियों ठहर जाओ तुमने जीवों को मार करके पाप किया है तुमको भागने नहीं देंगे। ऊंटों के नाक की नकेल जिसको मारवाड़ी भाषा में मोरी बोलते हैं निहाल चंद ने ऊंटों के नाक की मोरी पकड़ ली। विष्णुओं की कांकड़ में सब विष्णुई भागे आवे जल्दी पकड़ो बावरियों को आगे नहीं भाग पाए जल्दी पकड़ो बावरियों को आगे नहीं भाग पाए। वो बिश्नोइयों की कांकड़ में सब बिश्नोई भागे आवे पकड़ो पकड़ो बावरियों को आगे नहीं भाग पाए। शिकारी फायरिंग करके बिश्नोइयों को डर पावे एक रती डर फायरिंग का नहीं बिश्नोई ना घबराए एक रती डर फायरिंग का नहीं बिश्नोई ना घबराए। बावरिये सब घबराए घबराए उपाय वो सोचे जान बचानी का सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। विष्णुओं की कांकर में से बहुत सी संख्या में विष्णुई लोगों को भागते हुए आते देख करके बावरिये दुष्ट शिकारी घबराए और बंदूकों से गोलियां चलानी शुरू करके विष्णुओं को डराने की कोशिश करने लगे। निहाल चंद का हौसला देख करके दुष्ट शिकारी बहुत घबराए। नाल बंदूक दिखावे शिकारी निहाल चंद तुम हट जाओ गोली मार गिरावे तुम कोर भागो अपनी जान बचाओ ये गोली मार गिरावे तुम कोर भागो अपनी जान बचाओ। नाल बंदूक दिखावे शिकारी निहाल चंद तुम हट जाओ
गोली मार गिरावे तुम कोर भागो अपनी जान बचाओ, गोली मार गिरावे तुम कोर भागो अपनी जान बचाओ। नालचंद कई हिरण मारिए इनको वापिस पहुंचाओ, विष्णु योगी ताकड़ में फिर करने शिकार मचिया, विष्णु योगी कांकड़ में फिर कर्ण शिकार मती आओ। ओ विष्णु योगी कांकड़ में ओ विष्णु योगी कांकड़ में ओ धर्म के विरुद्ध काम करने का ओ धर्म के विरुद्ध काम करने का अपना तुम्हें मन मानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे अधर्म की कसुरवानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे अधर्म की कसुरवानी का। धर्म के विरुद्ध काम करने का अपना तुम्हें मन मानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कसुरवानी का। हालचंद ने दिखलाया जग मेरी जोश जवानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। दुष्ट शिकारी बंदूक की नाल सामने दिखाते हुए निहाल चंद को डराने लगे और कहने लगे, बिश्नोई अपनी जान बचानी चाहता है तो भाग जा, नहीं तो गोली मार करके तुम्हारे को जान से मार देंगे। वीर बिश्नोई निहाल चंद कहने लगा, अरे पापियो, तुमने भगवान के प्यारे वन में विचरण करने वाले हरिणों को बैरैनी से मारा है और इनकी लाशों को लेकर के तुम भाग रहे हो। मैं तुम्हारे को इनकी लाशों को लेकर के भागने नहीं दूंगा, इनकी लाशों को वापिस पहुंचाओ और आगे कभी भी भूल करके भी किसी भी जीव का शिकार करने के लिए विष्णुओं की कांकड़ में मत आना। भगवान के प्यारे जीवों को मार करके तुमने कोई यानी भगवान के प्यारे जीवों को मारने का तुम्हारे को कोई हक नहीं है। तुमने अधर्म किया है और धर्म के विरुद्ध काम किया है, इसकी सजा जो है तुम्हारे को भोगनी ही पड़ेगी। निहाल चंद का देख हौसला दुष्ट शिकारी घबराए, अरे चारों ओर से विष्णुओं को देख बावरी चतुराए, चारों ओर से विष्णुओं को देख बावरी चतुराए। निहाल चंद का देख हौसला दुष्ट शिकारी घबराए, चारों ओर से विष्णुओं को देख बावरी चतुराए, चारों ओर से विष्णुओं को देख बावरी चतुराए। निहाल चंद भगवान को जपता सीना तान पग ठहराए, पूरे सूर में विष्णुई ने सबके छक्के छुड़वाए, पूरे सूर में विष्णुई ने सबके छक्के छुड़वाए। चारों ओर से विष्णुइयों का हुआ दौर तूफानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कसुरवानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कसुरवानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय।
निहाल चंद का हौसला बुलंद देख करके दुष्ट शिकारी बाबरी घबराए, चारों ओर से कांकड़ में लोगों को आते हुए देख करके शिकारियों के छक्के छूट गए। इधर निहाल चंद भगवान का नाम स्मरण करता हुआ सीना ताणी भगवत शरण में अपना पैर जमाए हुए जिस दुष्ट शिकारियों को रति भी आगे नहीं हिलने दिया था, निहाल चंद कई पकड़ सभी को बंद जेल में थरवावे, नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ के ले जाओ, वो नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ कर ले जावे। बंद जेल में करवा में नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ के ले जाओ, नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ के।